तो VVMI को प्रोग्रामिंग में आज हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोजेक्ट को ट्रिगर करेंगे कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कैसे अपने काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। जो काम घंटों का होता है, मिनटों का होता है, उस काम को हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आपके सामने हम एक प्रोजेक्ट रख रहे हैं, तो क्या है कि हमारे पास एक फाइल्स है जिसमें 1 2 3 4 करके 7 सीट्स हैं और हर सीट्स पे हमारे पास डेटा है। तो आप देखेंगे कि डेटा अलग अलग है बट फॉर्मेट सेम है, मतलब कि जो हेडिंग्स है वो हेडिंग्स सब में सेम सेम पोजीशंस पे है। मतलब कि मुझे डेटा किसी से आया है तो सातों डेटा अलग अलग आया है। अब मुझे मान लीजिए मुझे पूजा का टोटल जनवरी फरवरी मार्च का सेल चाहिए, तो मुझे 7 सेलों का पहले इकट्ठा करके फिर टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा फार्मूला समी वगैरह फार्मूला नहीं है कि सातों शीट से वो सम करके मुझे दे देगा, या पिवट जो है सातों शीट्स को कलेक्ट कर देगा नॉर्मल तरीके से। तो हम चाहते हैं वीवी प्रोग्रामिंग के थ्रू सारे के सारे डेटा को एक सीट में कलेक्ट करना, एक के नीचे एक के नीचे। हालांकि इस चीज़ को हम वीवी प्रोग्रामिंग के बगैर एक्सेल से भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अगर आपके पास 2016 और 19 का एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस फाइल को हम सेव करते हैं, आपको बताते हैं कि विदाउट वीवीए हम कैसे कर सकते हैं और वीवीए में जब हम करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। ये दोनों को समझना बड़ी ज़रूरी है। हम डेटा सी के नाम से हम इसमें डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है कि इन सातों शीट का डेटा एक शीट के अंदर कलेक्ट करना है। इसके लिए मुझे जाना होगा डेटा मेनू बार में और यहाँ फ्रॉम डेटा के अंदर हमें आना पड़ेगा, फ्रॉम एक्सेल फाइल, और हमें जो डेटा सी फाइल है इसी फाइल को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि आप इस किसी और फाइल में भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम फाइल में कर रहा हूँ। तो हमने वीवी यहाँ पे क्लिक किया, डेटा सी को सिलेक्ट किया एंड इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपके साथ जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स का लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे मल्टीपल आइटम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 शीट 6 शीट 7, अच्छा शीट 8 इसमें नहीं है, हाँ 8 को हमने सेव अभी तक नहीं किया है। इसलिए लोड टू में यहाँ पे हम लोड नहीं करके लोड टू, अब क्या है कि अगर मैं इसको लोड कर दिया तो डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे नहीं आएगा, डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे आ जाएगा, एक शीट में कुलेट होके नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करना है। जब ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो सीधे खुलेगा किस पे, पावर क्यूरी पे। इसलिए मैंने बोला कि आपके पास लेटेस्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पावर क्यूरी जो है 2013 और 10 और 7 में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने बोला आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आता अपेंड क्यूरी, यहाँ पे मर्ज क्यूरी होता है। तो मुझे एक के नीचे एक करना है तो अपेंड क्यूरी होगा, और अपेंड क्यूरी में यहाँ पे अपेंड क्यूरी की जी करेंगे तो क्या होगा कि सीट 1 के ही नीचे कर देगा, लेकिन अपेंड क्यूरी न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट बनाएगा, माने बैकेंड में, आपके एक्सेल में नहीं बनाएगा, बैकेंड में बनाएगा। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए 3 more tables और आप अपने हिसाब से जो शीट जिसके बाद रखना है आपको उस शीट को यहाँ रख दीजिए इस तरह से। अब यहाँ देखिए 5 जो है नीचे आ गया, मुझे 5 4 के नीचे रखना चाहिए था तो मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। तो सीट 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गया, देन आप ओके कर दो। ओके करेंगे तो एक अपेंड 1 नाम का एक सीट ऐड हो गया पावर क्यूरी के अंदर में, और इसमें सारा का सारा डेटा आपका ऐड हो गया। अब आपको अपेंड 1 पे कर्सर रखना है, लोड एंड क्लोज पे चला जाना है। आप देखेंगे कि आप आपका फाइल जो है यहाँ पे पूरे के पूरे डेटा को मर्ज कर देगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है तो टाइम कंज्यूम करेगा, अगर कॉलम इधर उधर है तो दिक्कत करेगा, कुछ एडिशनल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। माने कहने का मतलब है कि इसमें लिमिटेड फीचर्स हैं, इस जो आपने अभी यूज किया लिमिटेड फीचर्स है, इस फीचर की मदद से आप अपने हिसाब से अपना मनचाहा यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप मनचाहा यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए सारा शीट भी इंसर्ट हो गया इसमें।
मनचाहा चीज ना मुझे इंसर्ट करना है अपने हिसाब से। सबसे पहले तो इस फाइल को हम क्लोज करते हैं डोंट सेव करके, और वापस आते हैं एक्सेल पे, और यहाँ पे हम जो है एक में फाइल ओपन करते हैं। तो आपने समझ लिया कि एक्सेल पे हम बिगार विदाउट वीवीएम इसको कंबाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे और क्या क्या इसकी ये है पॉसिबिलिटीज है। ये समझ में आ गया आपको सर? पूजा जी हाँ जी सर, जी जी ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम बात करते हैं वीवीएम प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे। तो हमने एक डेटा सीट रखा और एक अपना कॉलम का हेडिंग रख दिया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हम यहाँ आएंगे डेवलपर में, आएंगे विजुअल बेसिक पे, और थोड़ा सा स्क्रीन को हम यहाँ मर्ज कर देते हैं ताकि आप लोगों को इसका इफेक्ट समझता रहेंगे। और फिर यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, और यहाँ पे हम पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट कॉपी डी के नाम से ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ हम करेंगे लूप का यूज, क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ क्या करना है कि शीट्स के पहली शीट्स पे जाना है, क्योंकि शीट्स बहुत सारे हैं तो नेम से नहीं चलेंगे, सिक्वेंस से चलेंगे। पहले शीट्स पे हमें जाना है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहली शीट पे एक कोड क्या करेगा, सबसे पहले नंबर शीट पे चला जाएगा। मैं शीट वन यहाँ लिखा हुआ इससे मतलब नहीं कि इसका पोजीशन पहले नंबर पे है, तो पहले नंबर शीट पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे रेंज ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी। ये क्या करेगा कि ये कंट्रोल ए करके पूरी की पूरी शीट को कॉपी कर लेगा इस तरह से। उसके बाद हम जाएंगे शीट्स डेटा के ऊपर, डेटा डॉट सेलेक्ट, तो आपका आ जाएगा जो सबसे लास्ट में आपका जो डेटा शीट है उस पे चलाएगा। अब मुझे सबसे लास्ट में आके पेश करना, हो सकता है इसमें पहले से डेटा हो, तो सबसे लास्ट में आने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो मैं लास्ट क्लासेस में बताया है आपको कि हम ए 65,000 या 10,00,000 अपने हिसाब से लिख लेंगे जो आपके लिए सुटेबल है, और डॉट एंड यहाँ एक्सेलस अप करेंगे। तो ये क्या करेगा कि यहाँ ए 65,000 पे जाएगा और यहाँ से कंट्रोल के साथ अप एरो इस्तेमाल करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे तो लास्ट चाहिए ना, ये तो लास्ट फिल्म में आ गया, तो यहाँ हम ऑफसेट का कॉलम लगा के बोलेंगे जीरो नहीं वन माफ कीजिएगा 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। और पेस्ट स्पेशल में आपको पेस्ट वैल्यू करना है या पेस्ट ऑल करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आके वो डेटा को पेस्ट कर देगा यहाँ पे आके, बट एक प्रॉब्लम हो गई कि वो हेडिंग को ही पेस्ट कर रहा है, बट मेरे पास तो ऑलरेडी हेडिंग है, तो मुझे हेडिंग नहीं चाहिए। जब हम डेटा पेस्ट करते हैं तो हमारा एक्टिव सेल जो होता है, जो सेल जो नेम वाला हेडिंग वाला सेल है, वही हमारा एक्टिव सेल होता है। तो यहाँ हम कोड लिखेंगे कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, ये क्या करेगा कि इस पूरे रो को डिलीट कर देगा और डेटा हमारे सामने है। तो आप लोग कोड को समझिए, सबसे पहले ये पहली शीट पे जाएगा, शीट वन पे जाएगा, डेटा ए वन से कंट्रोल ए करके कॉपी करेगा, फिर वापस शीट डेटा शीट पे आएगा और सबसे लास्ट में जाके पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यू करेगा, और जो एक्टिव शीट हो सेल होगी उसकी पूरी रो को डिलीट कर देगा। तो पूजा जी समझ में आया आपको? हाँ जी सर। और सर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सर? उमंग जी सर कोड में तो दिक्कत आ रही है, वैसे जब आपने कंसेप्ट समझाया वो तो समझ में आ गया। हाँ कोड जैसे आप इसको पढ़ेंगे ना, सीट क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्ट क्यों लगाया, तो इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना? ओके तो यहाँ पे एक चीज हो गई। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ अगर मैं इसको रन करता हूँ सिर्फ हमारा पहली सीट को कॉपी करेगा।
अब मुझे हर सीट के लिए इसका यूज करना है, तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि मैं इसको कॉपी करूं और इसको नीचे पेस्ट करूं और यहाँ पे वन के जगह पे टू कर दूं, फिर यहाँ पेस्ट करूं और यहाँ पे टू के जगह पे थ्री कर दूं। ऐसे मुझे 7 बार पेस्ट करने होंगे, लेकिन दिस इज नॉट ए डायनेमिक, क्योंकि अगर आपके पास 100 सीट हुआ और सीट की कन्फर्मेशन पता नहीं कितनी है, तो कहने का मतलब है कि मैंने कोड लिख दिया है, अब इस कोड को मैं मुझे बार बार रन कराना है और सिर्फ हमारा सीट का नंबर चेंज करना है, बाकी सारा कोड डायनेमिक है। तो इस केस में हम यूज करेंगे किसका पूजा जी? और नेक्स्ट फोर लूप का। जी हाँ, फोर आई इक्वल टू चले 1 to 7 और यहाँ हम करेंगे नेक्स्ट आई, और यहाँ एक मैसेज के लिए देते हैं MSG बॉक्स कर देते हैं ताकि कंफर्मेशन आ जाए कि बॉक्स ली डेटा कॉपी कंप्लीटेड, एक ऐसी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको डेटा को डिलीट करता हूँ। अब इस माइक्रो को आप माइक्रो से, बटन से, शॉर्टकट से, किसी भी चीज़ से रन कर सकते हैं। तो हमने कॉपी डी को सेलेक्ट किया और यहाँ पर रन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए डेटा कंप्लीटेड आ गया और सर हर सीट का डेटा कॉपी हो गया। क्लियर है? यस क्लियर। अब बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर डेट हमारा डेटा शीट्स सबसे लास्ट में रख, मैं सबसे पहले बात जान लेते हैं कि डेटा शीट्स जो है हमारा सबसे लास्ट में है और नंबर ऑफ शीट्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, तो हर बार मुझे 7 को बढ़ाना और घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 7 सीट है, हो सकता है 700 सीट होगा, हो सकता है 7000 सीट हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं काउंट सीट्स का, सीट्स डॉट काउंट। क्या बुला जी? हाँ जी हाँ जी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है, सीट डॉट काउंट में तो डेटा सीट भी काउंट होगा ना। हाँ, तो यहाँ आप कर सकते हैं -1। तो आप एक कोड क्या हो गया, अभी कोड फुल्ली फुल्ली आपका आउट हो गया ना, कि डायनेमिक हो गया कि आप जितना भी शीट डालें, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपकी जो डेटा शीट है सबसे लास्ट में होनी चाहिए, क्योंकि इस कोड में कहीं नहीं लिखा गया है, ऐसा कोई ऐसा कमांड नहीं दिया गया है कि डेटा शीट को रीड करके उसको इग्नोर कर दो। दिया हुआ है, बस ये बोला गया है कि भाई काउंट करो सीट, अगर 8 है तो 7 तक चलो, एक छोड़ दो। इसका मतलब है कि आप सीट को लास्ट में रखेंगे तो सीट आपको स्किप हो जाएगी कॉपी से। अगर नहीं, अगर मैंने -1 हटा दिया तो डेटा को भी कॉपी करके डेटा के अंदर ही पेस्ट कर देगा। समझे पूजा जी? हाँ जी हाँ जी। अब यहाँ इसको हटाने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा लूप का यूज। किसका करना पड़ेगा, सॉरी कंडीशंस का, माफ कीजिए कंडीशंस का, कि मैं चाहता हूँ कि माइनस वाला सिस्टम ना रहो, मेरा डेटा शीट कहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे कंडीशन देना होगा इफ सीट्स, और यहाँ पे आई दे दिया हमने डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा। और सेम केस में बड़ा छोटा फर्क होता है, समझता है दैट, और फिर यहाँ पे एंड एफ, इसमें लूप से पहले, माफ कीजिएगा ना, लूप के अंदर डाला तो लूप से पहले लिखना पड़ेगा ना, नेक्स्ट से पहले एंड एफ। अब मेरा सीट कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे पूजा जी? हाँ जी। नहीं, इसमें हमने शीट साइड और टेप नॉट इक्वल टू डेटा, या मतलब हमने बोला कि भाई सीट पे जब तुम कॉपी करने के लिए जाओगे तो तुम चेक करो कि उसका नाम डेटा नहीं है, अगर डेटा नहीं है तब कॉपी करो, अगर डेटा हुआ मतलब कि ये फॉल्स हो गया तो तुम क्या करो, एंड इफ करके बाहर आके फिर दोबारा चलो, इस कोड को रन ही मत करो। मतलब ये कोड तभी रन होगा जब हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा, क्योंकि ये जो कोड्स है हमने इफ के अंदर में डाल दिए। ठीक है, ठीक ठीक, समझ में आया? हाँ जी ठीक। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, जब मैं जब भी हम रन करते हैं तो सीट से डेटा कॉपी कर देता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि किस सीट से डेटा कॉपी हुआ है बाद में सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है।
मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सीट का नेम आ जाए, यहाँ पे नेम एस नेम कर देता हूँ मैं, हाँ, कि हर शीट का नेम आ जाए, कि पहले वो डेटा को कॉपी करे और पेस्ट करे और शीट का नेम दे दे, ठीक है? करेक्ट। सर इसको करने के लिए कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी होगी? कौन सी करने के लिए? ये मैक्रोस जैसे आप ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख रहे ये हो। आपके एक्सेल में इनबिल्ड होता है, आप जो है ना अपने एक्सेल ओपन करें, ऑल्ट एफ 11 यूज करें ना, तो एक कोड आ जाएगा, ये अच्छा आपको वीवी एडिटर खुल जाएगा। मेरी विंडो 2007 है, उसमें हो जाएगा हाँ, ना? उसमें भी हो जाएगा, विंडोज से प्रॉब्लम नहीं है, एमएस ऑफिस है सर, विंडोज इसका कोई लिंक नहीं है। नहीं, कई बार ना विंडो 2007 पे मैक्रोस रन नहीं होते। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, टूटा विंडोज से मतलब नहीं है, आपके पास ऑफिस कौन सा है, एमएस ऑफिस कौन सा है, एक्सेल कौन सा है? 2000 एमएस एक्सेल तो है, ऐसा नहीं एमएस एक्सेल का वर्जन कौन सा है? है, ये तो मुझे ढंग से पता नहीं है। आप ये तो पता कीजिए सर, आप किसी ने पूछा तो ये तब ऐसे बोलेंगे तो सर क्या समझेगा वो? वो सर मेरे पास, मैंने रन करके आपने देखा था, गाड़ी मैं खरीद रन करने की रखी है कोशिश की और किसी थी। ने पूछा कि गाड़ी का मॉडल क्या है, क्या बोलेंगे यार ये तो पता नहीं, मैं तो डेली गाड़ी चढ़ के आता हूँ लेकिन पता नहीं गाड़ी का मॉडल कौन सा है, सर गलत एक बात बार है ना? चेक करना पड़ेगा मुझको। हाँ, तो आप जब एक्सेल यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्सेल कौन सा वर्जन है, और तो वर्जन सर कौन कौन सा से है आप कैसे वर्जन को पता हमें, होगा? पूजा जी कैसे पता करेंगे आप एक्सेल का वर्जन? पर्सन तो मैंने चेक नहीं किया देखिए इसमें। उसका वर्जन, देखिए पहले क्या होता था कि अगर आपके पास एक्सेल 2007 है तो यहाँ पे एक्सेल 2007 लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर 13 16 19 है तो जस्ट यहाँ पे एक्सेल ऐप कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, तो 7 का ओके प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास 7 लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे एक्सेल 2007 का आ जाएगा, उसका विंडो भी अलग, लोगो भी अलग होगा, लेकिन अगर आपके पास अगर ये पता करना है कि आपका कौन सा वर्जन एक्सेल है, तो आपको एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है इन्फो का, इन्फो इसमें देखिए आपको रिलीज होगा दिख रहा है ना वर्जन ऑफ एक्सेल, जी। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अब देखिए 16 है मतलब कि 19 होगा, समझ गए? ओके, एक 2 पॉइंट ज्यादा मतलब कि हाँ, ऐसा टू पॉइंट ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट नहीं, 16 है तो 19 होगा, और ये आपका 3 पॉइंट 15 है ज्यादा, तो आप 15 है तो आपका ये आएगा 18। 2016 आएगा, अगर अच्छा 13 है तो आपका 2013 आएगा, 16 जो अच्छा 16.0 जो है ये सबसे लेटेस्ट है, इससे ईयर तो से सर कोई मुझे मतलब नहीं है कि आपका कौन से 2019 एक्सेल, है, इसे मतलब नहीं, इसका वर्जन होता है, वर्जन और नेम अलग अलग होते हैं। अच्छा सर मुझे कौन से फिर एक्सेल इंस्टॉल करनी चाहिए, अब इंस्टॉल करना है तो लेटेस्ट कर लीजिए ना, जो ऑफिस कौन 365 सी? या ऑफिस 2019 जो लेटेस्ट है वो करेंगे ना, अच्छा सर ठीक है, मैं वो जब भी आप इंस्टॉल इसको कर जब लूंगा। भी आप कोई वर्जन कोई चीज़ लेते हैं तो लेटेस्ट लेना अच्छा बात होता है ना बिल्कुल सर बिल्कुल। जी। चलिए बैक टू टॉपिक, तो यहाँ क्या है कि अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हम यहाँ पे कर दी कि मुझे सीट का नेम चाहिए, शीट का नेम, तो कैसे करेंगे इसके लिए? तो हम सबसे पहले डेटा वाले शीट पे आते हैं, या शीट नेम ऐड कर लिया। अब समझिए क्या होगा कि मैं जाऊंगा पहले नंबर शीट पे, डेटा को सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, लास्ट वाली शीट पे आऊंगा यहाँ, और इसमें पेस्ट करूंगा सबसे लास्ट में जाके, और इसको डिलीट करूंगा, यहाँ तक तो है हमारा। अब मुझे एज कॉलम के सबसे लास्ट में आना है, तो कैसे आएंगे? उसके लिए हम पूजा जी को कोड बताए थे कि रेंज एच, सॉरी एच 65,000 डॉट, और यहां पे हम करेंगे अप, तो कर्सर यहां पहुंच जाएगा यहां पे, लेकिन मुझे चाहिए इसकी अगली सेल में, तो यहां पे डॉट करेंगे ऑफसेट, यहां रो करेंगे 0 एंड कॉलम करेंगे 1 डॉट सिलेक्ट,
तो ये कोड क्या करेगा कि ये एज 65,000 रो में जाके ऊपर आएगा और ऑफसेट की मदद से यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, समझे? इसको तो सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे रेंज, यहाँ एक्टिव से जहाँ कर्सर है, तो कर्सर कहाँ है? यहाँ पर है। एक्टिव सेल कॉमा एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेलस अप। पर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेलस अप में ये एक्सेलस अप जब करेगा तो एक्सेलस अप में ये एस नेम को भी सिलेक्ट कर लेगा, इसलिए यहाँ पे हम देंगे ऑफसेट 1,0 और देन सेलेक्ट दैट नेम कर दीजिए, वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यू इज इक्वल टू एस। अब एस क्या है, हमने एस डिफाइन नहीं किए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिम एस एज ए स्ट्रिंग और फिर यहाँ हम लिखेंगे एस इक्वल टू शीट्स आई डॉट नेम, तो शीट का नेम एस पे स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे एस को कॉल कर देंगे और डेटा हमारा पेस्ट कर देंगे। अब ये तो हो गई थ्योरिकल पार्ट हो गए, अभी जब तक इसको हम रन करके इसका प्रैक्टिकल नहीं देख लेंगे तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे कि हमारा मैक्रो सबसे अच्छा रन कर रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम स्टेप इन्फो के थ्रू रन कराते हैं ताकि आपको स्टेप देख लीजिए क्या क्या है। तो सबसे पहले आया, इसने आई को लिया 1, चेक किया सीट एक्टिव सीट जो है सीट आई डॉट नेम नहीं है, तो इसका नेम कॉपी करके इसके ऊपर सीट 1 रख दिया, फिर पहले वाले शीट में गया, डेटा को कॉपी किया, फिर वापस सीट डेटा शीट पे आया, फिर उसने पेस्ट कर दिया, फिर उसने सीट को डिलीट कर दिया, फिर वो सबसे लास्ट में यहाँ पे कर्सर रख दिया, देखिए रख दिया, और फिर इसके ऊपर से सीट नेम डाल दिया, ठीक है। फिर वापस नेक्स्ट पे आया, फिर आई जो है अपना रिकॉर्ड चेंज कर दिया, 2 कर दिया, ये सीट 2 को चेक किया, सीट 2 का नाम एस पे डाला, फिर सीट 2 को एक्टिवेट किया, देन फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया, फिर इसने रो को डिलीट किया और फिर वापस सबसे लास्ट में आ गया, देखिए लास्ट में आ गया, और फिर इसकी पूरे सेल में सीट 2 रख दिया, फिर वापस गया, फिर इस पर आई का मान क्या हो गया, 3 हो गया, और इसी तरह से कंटिन्यू 3, 4, 5 करेगा, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, और डेटा कॉपी का मैसेज दे दिया और मेरा माइक्रो 100% परफॉर्म कर गया। So, पूजा जी, हाँ जी सर, अब इसमें ये तो आपने समझ लिया, अब इसमें हमने एक नया चीज यूज किया इफ का, जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। करेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट में यूज करना क्या जरूरत था, ताकि आपको समझाना कि अगली जो टॉपिक है हमारा इफ की है, और इफ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे इफ ना लगता तो हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, ऑटोमेट पूरा फुली ऑटोमेट नहीं होता। करेक्ट, ठीक है। अब इसमें अगला जो हमारा प्रोजेक्ट होगा जो हम इफ के बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो आपके सामने जो है सारे के सारे शीट्स हैं, सेम कॉलम फील्ड है ना, हो सकता है कि किसी सीट में आपको पहले मार्च आए, फिर मार्च की जगह पे जैन हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, क्योंकि हमारे कोड जो है इस चीज़ को रीड नहीं कर रहा है कि किस कॉलम का क्या, किस सीट में कौन कौन सा कॉलम है, वो पूरी डेटा को पेश कर रहा है। तो आपको इसको ये रीड करवाना पड़ेगा कि भाई पहले देख तो लो कि किस कॉलम का डेटा किस कॉलम में जा रहा है, लेकिन इसके लिए मल्टीपल लूप्स और मल्टीपल कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने अभी तक किया नहीं, लेकिन इन फ्यूचर की क्लासेस में, अगली क्लासेस में हम करना शुरू करेंगे। तो आप क्या करें, इस प्रोजेक्ट को ले अपने एंड पे और इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजिंग करें, और करने के बाद इसका अप्लाई करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जा सकते हैं, मुझे चैट कर सकते हैं, आपको कोई अर्जेंट प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है, थैंक यू सर।